इस वक्त हम सैलाब मुतासरीन के लिए एक खैमा बस्ती कायम की गई है हुकूमत की जानिब से। उस खैमा बस्ती में पहुंचे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर तोनसा शरीफ मोहम्मद असद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो खैमा बस्ती बनाई गई है मुतासरीन के लिए, इसमें कौन कौन सी सहूलियात हैं और सबसे पहले ये भी बता दीजिए कितना नुकसान हुआ है सैलाब से अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे 186 में से 162 मवाज़ियात हैं वो अफेक्ट हुए हैं और ये रोड को ही जो है ये सडनली पानी आता है और एक घंटे के बाद ये ड्राई हो जाता है। उस दौरान इसकी इतनी एक रफ्तार होती है कि ये घरों को उड़ा के ले जाता है। तो हमारे अब तक 17,500 जो हाउसेज हैं वो पार्शली और फुल्ली वो डैमेज हुए हैं और 16 हमारी डेथ्स हैं। तो हमने 5 जगहों पर खैमा बस्तियों का इनाकाद किया हुआ है। ये जो जहाँ पर आप खड़े हैं ये हमारा बॉयज़ डिग्री कॉलेज है, इसमें हमने खैमा बस्ती भी आबाद की हुई है। इसके अलावा हमारे पास 16 कमरों पर मुहित एक पोर्शन है वो भी हमने फ्लड के लिए रखा हुआ है। तो हमारा ये विसिनिटी में एरिया जो है वो सौकड़ लगता है और साथ में नाड़ी लगता है। तो नाड़ी में रात को बाठी से ना एक पानी आता है, उसके जब वहाँ पर बारिश होती है तो वो पानी आता है, तो उसके लिए हम उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करते हैं। 8 से 10 हमने वैगन रखे हुए हैं, उनको फिर रात को इधर ले आते हैं, इधर हम उनको सर्व करते हैं। हमारे पास देगें भी होती हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए दूध खाना वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वो हम सर्व करते हैं। सुबह अगर वो फैमिलीज जाना चाहती हैं तो हम उनको अपने ट्रांसपोर्ट के जरिए उनको वापस उधर भी छोड़ आते हैं। कुछ के रिलेटिव्स यहाँ पे हैं वो अपने रिलेटिव्स के घर भी चले जाते हैं। लेकिन असद साहब, हमने अभी जो मुतासिन से हमारी बात हुई है वो यही बता रहे हैं कि हमें इमदाद नहीं पहुँच रही, हमें पैसे नहीं पहुँच रहे, खुराक नहीं पहुंच रही, तिब्बी सहूलियात नहीं पहुंच रही। तो अगर उन तक नहीं पहुंच रही तो फिर ये सब चीज़ें जा कहाँ रही हैं? हमारा इस टाइम तक 6,000 जो टेंट्स हैं वो पूरी तहसील में हमारा चला है और डेली बेसिस पे हमारा जो राशन है वो तहसील, क्योंकि 162 मवाज़ियात जिसमें अफेक्ट हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा करके हम हस्ब ज़रूरत हर जगह पे पहुंचा रहे हैं। तो उसमें डेली का 1,000 का हमारा वो जा रहा है, तकरीबन 14,000 इस टाइम तक हम चला चुके हैं जो राशन बैग्स हैं। इसके अलावा हमारी कुक्ड फूड हैं वो चलती रही हैं, 100 देंगे हम डेली पकाते थे। पूरी तहसील में हम डिफरेंट लोकेलिटीज़ में सेक्टर यूनियन काउंसिल और पटवारी के थ्रू उसको जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यहाँ पे भी आप नाड़ी में अगर चले जाएं तो वहाँ पे भी हमने 800 फूड हैम्पर्स डिलीवर किए हैं, 150 उनको टेंट मुहैया किया है। हमारे जो जो एरियाज अफेक्टेड हैं उसमें 5 जगहों पे हमारे ये खैमा बस्ती प्लस उधर राशन जो है वो मौजूद है। तो असद साहब, आपने बताया कि 6,000 टेंट जो हैं वो आपने मुतासिन तक पहुँचाए हैं, लेकिन जो हमारी रिसर्च है, हमारी टीम ने जो हमें बताया कि इस पूरे इलाके में तकरीबन 6,00,000 लोग जो हैं मुतासर हुए हैं, 50,000 घराने इससे मुतासर हुए हैं। तो आप समझते हैं कि 6,000 टेंट इन लोगों के लिए काफ़ी हैं? उसमें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 17,500 उसमें अफेक्टेड है हाउसेज पार्शली और फुल्ली। जो पार्शली हैं उसके उससे मुराद उसकी चार दीवारी गिरी है, उसका एक कमरा गिरा हुआ है। जो फुल्ली हैं उसका जो है वो कमरा पूरा गिरा हुआ है। तो टेंट्स डेली बेसिस पे हमें PDMS रिसीव हो रहे हैं, वो हम डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज़ पर नीड। वो हमने देखना होता है कि कौन सी बस्ती में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पर हम डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हम भी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा खेमे यहाँ पर बनाए गए हैं, तो अगर हम आपसे कहें कि आप हमें थोड़ा सा दिखा दें कि किस तरह के खेमे हैं और इसमें क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जी ये हमारे पास खेमा लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये हमारी ये चिटाई है ये बिछी हुई है। रात को अगर हमारे पास कोई आता है तो मर्द हजरात जो हैं वो यहाँ पे हम उनको तकिया मुहैया करते हैं जो हमारे इधर गोदाम में पड़ा हुआ है। मेडिकल की फैसिलिटी हमारा इधर कैंप लगा हुआ है जो इस टाइम भी फंक्शनल है, और रात को हम अपनी कन्वेंस है वो भी इनको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर भी खाना मुहैया करते हैं और अक्सर फैमिलीज़ प्रेफर करती हैं क्योंकि फैमिलीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं। 2 दिन पहले भी हमने 561 लोगों को रेस्क्यू किया है और उस ब्लॉक में उनको रखा है, वहाँ पर भी हमारे पास हॉल्स हैं, वहाँ पर उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को दूध देते हैं, उनके पैंपर्स वगैरह वो सारी चीज़ें जो भी होती है बेसिक नेसेसिटीज। आप काफ़ी चीज़ें हमें बता भी रहे हैं, अगर तो ये सब चीज़ें हो रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि खेमे सारे खाली पड़े हुए हैं। ये लेफ्ट साइड वाला खेमा भी खाली है, ये भी खेमा और आगे जितने खेमे हैं वो इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। तो अगर ये खेमे यहाँ बनाए गए हैं तो फिर यहाँ पर लोग क्यों नहीं हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब बाठी से पानी आता है हम रात को डेली इधर लेके आते हैं, इसमें भी बंदे रहते हैं, उस ब्लॉक में भी फैमिलीज रहती हैं। अगले दिन अगर उनके घर बचे होते हैं तो वो वापस उनको वो कहते हैं हमें छोड़ के आए, हम उनको वापस छोड़ के आते हैं। जिस दिन पानी आना होता है रात को वो इधर आ जाते हैं हमारे पास, तो उस टाइम ये आबाद हो जाते हैं। अच्छा, हमने आपने एक एस्टिमेशन भी जो लगाई है कि अभी तक कितना नुकसान हो गया इस पूरे इलाके में और उसका तखमीना कितना लगाया गया, किस तरह से लोगों तक इमदाद पहुंचेगी, जिनके घर गिर गए हैं उनको किस तरह से घर दोबारा तामीर करने के लिए कुछ दिया जाएगा?
इसमें हमारी 48 जो टीम्स है ना, वो हमने सर्वे टीम्स बनाई हैं 48। उसमें हमारा पटवारी शामिल है, हमारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर होता है वो शामिल है, जिसने असेसमेंट करनी है कि ये कमरा वाकई रहने लायक है कि नहीं है। पीडीएमए की एक पॉलिसी है जिसके तहत पहले तो उनके रेट्स और थे, अब थोड़े से रेट घरों के बढ़ गए हैं। वो सर्वे का काम जारी है जो तकरीबन 15 से 20 दिन लेगा। अभी कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे अब हमारी टीम नहीं जा सकी, मोटरसाइकिलों पर हम खाना भी देते हैं। इवन के कल मैं भी साइकिल पे चेक डिलीवर कराया हूँ, जो हमारी डेथ्स थी उनके कंपनसेशन के लिए। तो हमारी 48 जो मोटरसाइकिल पे? मोटरसाइकिल पे तो आपको मोटरसाइकिल पे क्यों गए आप? आगे रास्ता नहीं था, रास्ता कटा हुआ था, तो वो कंपनसेशन हमारा पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। जो फैमिलीज हैं, एक तो उसकी हमने हौसला अफजाई भी करनी है और ताज़ियत भी करनी थी, वो बहुत ज़रूरी है। और ये कोई फेनोमेना गैर मामूली है, हम डेली बेसिस पे ऐसा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बस्ती अफेक्ट है, रीच अनरीचेबल है, वहाँ पे हम देगों के जरिए जो चावल हैं वो हम शॉपर में डाल के उनको डिलीवर करते हैं। ठीक है असद साहब, आप अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये कि लोगों तक इमदाद पहुंच रही है, लेकिन हमारी जो रिसर्च है और हमने जो लोगों से बात की है, लोग कम से कम हुकूमती इमदाद से मुतमईन नहीं है और वो यही कहते हैं कि हमें शायद कुछ भी नहीं मिल रहा, खाने को खुराक नहीं मिल रही। आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है। अभी आखिर में सिर्फ इतना हमें ये बता दीजिए आप कि क्या आपके पास जो वसाइल हैं जिससे आप इन लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या इन इतने बड़े सानहे के बाद जो वसाइल हैं आपके वो काफ़ी हैं? ऐसा कि हमारे पास ना ढेर सारी एनजीओज के डेली ना ट्रक्स भी आ रहे हैं, जिस एरिया को ज़्यादा उन्होंने हिट किया हुआ है हम वहाँ पे भेजते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे एक एक आबादी को 300 प्लस राशन डिलीवर हो रहा है। और वो जो एनजीओज हैं वो गवर्नमेंट से हमारे से रबते में हैं, तो हम अपना जो राशन है हमारे पास वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं। और जो एनजीओज भी दे रही हैं वो भी हमें ही डिलीवर कर रही हैं, फर्दर हम लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कोई ऐसी बस्ती हमारी उस तहसील में नहीं है जहां तक अभी तक कोई इमदाद सरकारी ना पहुंची हो। ठीक है जी।